ये सब कुछ नजर मोहम्मद ने किया। वो जब मुझसे चाबी लेने आया था मुझे तभी शक था कि कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या तुम जानते थे कि नजर मोहम्मद जुआ खेलता है? नहीं यार, कहां जानता था। मैंने सोचा किसी को घर किराए पे दे देगा और मैंने उसको मना भी किया था, लेकिन जुआ। चलो तुम्हें कल सजावल ले जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना, मैं वकील को साथ लेकर आऊंगा। मारिश कैसी? बहुत परेशान होगी ना? तो पहले ही बहुत डिस्टर्ब थी। हाँ, मैं भी कॉल करके उसको सारी सिचुएशन बता दूंगा और तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन दे दूंगा, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ यार, पता नहीं कितने लोगों का डिमांड लिया एक लोगों ने, और वो लोग जब वहां रेस्ट में मेरे बारे में पता नहीं क्या बयान देते। तुम ये सब कुछ क्यों सोचते हो? जो सच है वो साबित होके रहेगा और सब जानते हैं कि तुम कराची में रहते हो और मैं वकील कर रहा हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन इस सब में कितना वक्त लगेगा? वी डोंट नो। भाई अब बहुत हो गई बातें, अभी घर जाओ और तू भी आराम से बैठ जा भाई। देखो मैं कोशिश करता हूँ अभी वकील का बंदोबस्त हो जाए, तो मैं अभी वकील को लेकर आ, तुम परेशान ना। अच्छा माहू को भी ले आना। अब सो नहीं रहे? नींद नहीं आ रही। चाय बना दो। असलम आ गया? मुझे नहीं पता आया भी है या नहीं। I think आ गया, मैंने देखा था उसके कमरे की लाइट जल रही। पसंद तो करने लगा है लेकिन है बड़ा बेवकूफ सीधा सा। उसे मुझसे शादी करनी है, कह रहा था आप मुझसे शादी करेंगी मैं अपनी अम्मी को आपके घर लाऊं। तुमने भी तो उसे घर बुलाकर गलती की, अगर उसने अब्बा को सब बता दिया तो वो तो फौरन कबूल कर लेंगे। कोई ना कोई बहाना तो सोचना पड़ेगा। मैं उसे घर तक पहुंचने नहीं दूंगी, उससे पहले ही काटूंगी। वैसे रिश्ता अच्छा है, डॉक्टर है, फैमिली भी बड़ी नहीं है, शरीफ भी है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कर लो ना शादी। पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं पढ़ना इन चक्करों में अभी। ये तो हम उन लोगों के लिए सोचते थे जो हमें पार्टीज में मिलते थे, कभी ना कभी तो शादी करनी है, और वैसे भी अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी भर तो रहेंगे नहीं। तब की तब देखी जाएगी यार, अभी अपना कंप्यूटर जैसा दिमाग चलाओ और बताओ मुझे मैं क्या करूँ। तो फिर उसे ये कह दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। अच्छा, वो बोलेगा तुम मेरे साथ डेट पे हो, वो बेवकूफ कहे जैसे तुमसे शादी करनी है। फिर एक काम करो, उसे कह दो कि वो मुल्क से बाहर है और तुम मुझे बस अच्छे लगे हो। चलो यार, आजकल खतीजा आपा के सारे एंटेना काम कर रहे हैं, शक हो गया उन्हें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा आ गया। अरे भाई, आज इतनी जल्दी कैसे? मैं देर से आती हूँ तो खदीजा आपा परेशान हो जाती हैं, जल्दी आती हूँ तो आप कहते हैं जल्दी कैसे आ गई। अरे भाई, तुम हम सबकी जान हो ना, तुम्हारे लिए सब परेशान होते हैं। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा जीती रहो। हैप्पी बर्थडे साली साहिबा, हमारी इकलौती साली, हम कैसे ना आते। जी नहीं, तू है भाई। तुम दोनों को देख के मेरा जी बहुत खुश होता है, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। अरे भाई, तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना। नहीं अम्मी, बहुत भूख लगी। सुन लिया, भूख लगी है।
मैं अभी खाना लगाती हूँ। पता है मैं अभी अभी घर आई हूँ। जी अम्मी ने बताया था कि दिलकश बहुत देर से आती है, लेकिन खाना हम साथ खाएंगे। मैं लगाती हूँ खाना। हाँ खदीजा आप कहाँ हैं बाबा? बेटा वो अपने कमरे में होंगी, उन्हें भी ले आओ और उन्हें कहो कि जफर मियां आए। जी चलो चलो बेटा जाओ। और बाबा तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यार एक बात बताओ, ये जो तुम चले जाते हो एकदम से और गायब हो जाती है, क्या हरकत है? नहीं बाबा दरअसल वो हैदराबाद से असलम आया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे घर पे होना ज़रूरी होता है, और वैसे भी आदर्श से काफ़ी प्रिय है, मेरे साथ तो काफ़ी रिजर्व रहता है। अरे तो असलम को भी ले आते, वो बेचारा शायद वहाँ पे अकेला होगा। नहीं आंटी एक्चुअली वो अपने काम से गया हुआ था, नहीं तो आदर्श की बहन की खुशी में इनके साथ ज़रूर आता। आप आ जाइए, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। अरे चलो ना खाना खा। हाँ भैया चलो 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 खाना खा। अब क्या होगा? देखो सब कुछ नजर मोहम्मद पे डिपेंड करता है। क्या बयान देता है वो एक लालची आदमी है, उसी ने कहा होगा ये सब कुछ। क्या तुम जानती थी कि नजर मोहम्मद जुआ खेलता है? ये बात किससे छुपी हुई है? वो साजिद से इसी के नाम पर पैसा लेने आता था। तो तुमने ये बात साजिद को कभी बताई क्यों नहीं? साजिद को पता होगा, जब ये बात सारे गांव को पता है तो फिर साजिद को कैसे ना पता हो? हैरत है, साजिद को तो चाहिए था कि उसे कभी पैसे ना देता और ना घर की चाबियां। नजर मोहम्मद और अदी अतिया की नजर पहले से उस घर पर है। वो कितने अरसे से साजिद को लूट रहे हैं, मगर उसकी अकल में ये बात नहीं आती। जो बेईमान होगा वो अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा, और अगर साजिद वाकई बेकसूर है तो वो जल्दी रिहा हो जाएगा। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। अल्लाह करे, ये बात हम तो जानते हैं कि साजिद बेकसूर है, और ये बात मेरे अल्लाह साई को भी पता है। तुम जरा बच्चों को देख लो कि कहीं जागे हुए तो नहीं है। थैंक यू। सफर भाई इतने कंजूस हैं, बहस किए जा रहे हैं लेकिन गिफ्ट के पैसे नहीं दे रहे। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? बाजी की बहन आता है। अभी तुम्हें बात मिस करती है। जब मैं उनके घर गई थी ना रमशा के साथ, तो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। क्या हम अब भी नहीं चल सकते? नहीं मेरा जाना मुश्किल है। अब कौन सा बहाना है? पहले तो ऑफिस का बहाना था, तुम्हारी कौन सी सास घर पे बैठी है यार? जफर कहते हैं कि जान खाने के लिए एक ही शख्स काफी है, वो जरूरी नहीं कि सास हो। ये तो सच बात है, हमारे यहाँ खदीजा आप ही काफी है। तो वकील साहब क्या चाहते हैं? वकील साहब का आज यहाँ केस लगा हुआ है, शाम में हम यहीं से जाएंगे। आपको पूरा यकीन है अनवर भाई के सुबह साजिद की जमानत हो जाएगी? जी बिल्कुल भाभी, वकील साहब हैं हमारे साथ। और फिर आप क्यों परेशान होती हैं? वो सारे मसले मसाइल खुद देख लेंगे।
और जिन लोगों ने FIR कटाई थी उनका क्या? वो तो खुद पुलिस वाले थे और किसी की मोहपेरी पे ही उन्होंने वहां छापा मारा था। ठीक, जहालत भी इंसान को कितना अंधेरे में धकेल देती है, ये बात ये लोग क्यों नहीं समझते? नजर मोहम्मद को देख जाए ना, उसके नजदीक तो दीन और ईमान पैसा ही है। जैसे भी आए, किस तरह भी आए, बस आ जाए। आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ, जाते हुए साजिद के कपड़े ले जाइएगा, वो कपड़े मैले हो गए होंगे। हम अभी नहीं जाएंगे वहां पे। क्यों? वकील को साथ लेकर ही जाएंगे हम। अगर मुझे पहले पता होता कि नजर मोहम्मद साजिद के साथ ये सब कुछ करेगा तो मैं उसे सब कुछ सच सच पहले ही बता देती। मैं तो हतियाबाजी की वजह से कुछ नहीं कहा, उनके डर की वजह से। सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए, और डरता वो है जो झूठ बोलता हो। असलम घर आ गया होगा? मुझे नहीं पता। वैसे मुझे असलम का हमारे घर में रहना पसंद नहीं है। I don't like it. तो आप सुबह मिल लीजिएगा। सर वो कातिल नहीं है, और आप लोग भी ना बस मुलजिम को लॉकअप में डालते हैं और उसे मुजरिम बना देते हैं। ये इनकी फैमिली है और इनका हक है उससे मिलना। रही मेरी बात, तो मैं वकील हूँ और मुझे उनसे वकालतनामे पे साइन करवाने हैं। देखें वकील साहब, आप लोग तो वैसे ही हमारे दुश्मन हैं। मैंने उससे इतना कहा था कि बाद में मिल लीजिएगा। वो सब ठीक है, लेकिन आप कम से कम इनको तो मिलने दीजिए, ये उनकी वाइफ है। ठीक है, मिलने। हकीमुद्दीन जाए, इन्हें साजिद से मिलवा दें। माहू, अनवर, तुम ठीक हो ना? क्या खाक ठीक होऊंगा यार, इधर भी कोई ठीक होता है? एक रात में थक गया हूं मैं तो हैरान हूं ये लोग किस तरह यहां वक्त गुजारते हैं। साजिद तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साजिद साहब ये लोग आदी हैं, ये तो यहाँ बस आराम करने आते हैं। बहरहाल आप वकालतनामे में साइन कीजिए, सुबह मैं आपकी जमानत करा लेता हूँ। सुबह जमानत हो जाएगी ना? साईं साहब जॉब सैलरी जिस बैंक अकाउंट में आती है उसकी स्लिप है ना, उससे साफ पता चल जाएगा कि आपके पास आमदनी का बस यही एक जरिया था, और इन लोगों ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि आप अपने घर में जुआ कराते हैं। और ये इल्ज़ाम नज़र भाई ने लगाया है। वो वकील साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आमदन का एक जरिया और भी है। आमदनी का एक और जरिया? क्या मतलब साहिब साहब, कैसी आमदनी का जरिया? वो वकील साहब, अज़हर की कुछ ज़मीन है गांव में, उसकी आमदनी आती है। उसका कोई हिसाब किताब तो नहीं होता नहीं है, मेरा एक अलग अकाउंट है उसमें जमा होती है, वो मेरी बेटी के लिए जमा कर रही है अज़हर।
तुमने ये बात भाभी को भी नहीं बताई। दरअसल साईं साहब, सुबह में जमानत के कागजात जमा करा देता हूँ। 50,000 में जमानत होगी, आप इंतजाम करें। 50,000? तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात भाभी से नहीं छुपानी चाहिए। भाभी मेरी बात तो सुनो। मुझे मालूम है कि साजिद की बात से आपको दुख पहुंचा, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। जो होना था वो हो चुका, अब हमें सिर्फ साजिद की जमानत के बारे में सोचना चाहिए। सही कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि साजिद की जमानत 50,000 रुपए में हो जाएगी। कल तक हमें 50,000 रुपए का बंदोबस्त करना होगा। 50,000? कहां से लेकर आऊं मैं ये 50,000? इतने पैसे मेरे अकाउंट में भी नहीं, क्या करूं? आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आगे नाश्ता लगा लूं? हाँ हाँ, थैंक यू। मैं आज ऑफिस नहीं जाना। किस खुशी में? भाभी, जब से आया हूँ काम कर करके थक गया हूँ, आज मेरा रेस्ट का मूड है, नो ऑफिस टुडे। क्या तुम आज घर पे हो, ऑफिस नहीं जा रहे? इरादा तो यही है, सो के वक्त गुजारूंगा, नींद पूरी करूंगा अपनी। वैसे ये काम रात को करने वाली, तुम रात रात भर जागते क्यों रहते हो? काम करता हूँ, आपकी तरह फारिक नहीं रहता मेरे भाई। चलो आज तो मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं कितना काम करता हूँ। गुड फॉर यू। वो आराम करना चाहता है और